हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल। आज हम हमारे एडिट के अंदर पार्टिकल्स ऐड करेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ ट्रैपकॉट पार्टिकुलर वर्क्स। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो दिस इज द सीन जिसपे हम पार्टिकल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा न्यू सॉलिड और इसको मैं नाम दे देता हूँ पार्टिकुलर या फिर पार्टिकल, विच वट एवर यू वॉन्ट टू नेम। 1920x1080p का सॉलिड लेयर है एंड या कलर डजेंट मैटर, मैं ऐड कर देता हूँ एंड यू कैन सी फ्रंट में एक व्हाइट सॉलिड आ गई है। तो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ट्रैप कोड पार्टिकुलर इफेक्ट। सो आई विल जस्ट सर्च पार्टिकुलर और आई विल एड इट एंड यू कैन सी हमने ट्रैप कोड पार्टिकुलर इफेक्ट ऐड कर दिया और जो व्हाइट सॉलिड ट्रांसपेरेंट लेयर में कन्वर्ट हुई है। यू विल सी समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग। अगर मैं इस लेयर को थोड़ा ऐसा पीछे ले जाऊं सो दैट इट इज फॉरवर्ड इन टाइम, ओके आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी यहाँ पर पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, ओके बट दे आर वेरी स्लो, वेरी स्लोली यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस वेरी मच। द फर्स्ट थिंग इज द डिजाइनर। तो बेसिकली पार्टिकुलर इफेक्ट है उसको तुम दो तरह से एडजस्ट कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज तुम यहाँ बाहर से एडजस्ट कर सकते हो सारी चीजें। सेकंड इज यू कैन गो इनटू द डिजाइनर एंड इट विल टेक यू इनसाइड द इनसाइड अनदर विंडो। ये पार्टिकुलर का खुद का इंटरफेस है। यहाँ पे भी वही बेसिक चीज है, दिस गिव्स यू क्विक विजुअल फीडबैक और यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट वगैरह भी है अगर तुम्हें कोई यूज करना है, यू नो यू वॉन्ट टू मेक समथिंग वेरी क्विकली। बट आई विल सजेस्ट कि इन प्रीसेट का यूज तुम सीखने के लिए करो। यू नो यू कैन जस्ट अप्लाई अ प्रीसेट और तुम देख सकते हो क्या क्या सेटिंग्स चेंज हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली यू नो लर्न फ्रॉम इट। बट आई एम नॉट गोना यूज देम एंड मैं अप्लाई कर दूंगा। तो हम ना सिर्फ जो बाकी है आउटर प्रॉपर्टीज है इनका ही यूज करके हम पार्टिकल को चेंज करेंगे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज को मैं फिट कर लेता हूँ। ओके सबसे पहले जो शो सिस्टम है, तो सिस्टम इज लाइक यू नो तुम्हारे पार्टिकुलर में तुम अलग अलग पार्टिकल सिस्टम लगा सकते हो। दैट इज नॉर्मल एक पार्टिकल की जगह यू कैन हैव मल्टीपल पार्टिकल्स एमिटर वर्किंग। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्टफ तो हम इसको तो छेड़ेंगे नहीं इस बार। बट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस एमिटर पार्टिकल फिजिक्स। सबसे पहले हम जाते हैं एमिटर में एंड यू विल सी कि ये कंटीन्यूअस पे सेट है। ओके मैं अभी के लिए इस लेयर को सोलो कर लेता हूँ सो दैट वी कैन सी एवरीथिंग क्लियरली एंड इसको ट्रांसपेरेंट से हटा देते हैं। Continuous, that is continually, particle जो है वो continually create होते रहेंगे और उनका रेट दिया हुआ है 1 सेकंड में 100 पार्टिकल्स क्रिएट होंगे। Now you can change its mode, load, emitter speed, ये बट अभी के लिए मेरे को इसको continuously रखना है। पार्टिकल का अमाउंट अभी के लिए 100 रख लेते, बाद में हम बढ़ा देंगे। Now here is the important part, ये बोल रहा है emitter type is पॉइंट, मैं इसको हाफ पे कर लेता हूँ एंड यू विल सी कि जो पार्टिकल्स ये क्रिएट हो रही है सिंगल पॉइंट से क्रिएट हो रहे हैं, लाइक एक सिंगल पॉइंट। हम इसको चेंज कर सकते हैं और हमें इसको चेंज करना है आई वांट कि थोड़े वाइडर एरिया। अब इसका मैं जो टाइप है वो चेंज कर सकता हूँ। आई कैन मेक इट बॉक्स, आई कैन मेक इट स्फीयर, आई कैन मेक इट ग्रिड, आई कैन मेक इट लाइट लेयर एंड वेरियस थिंग्स। बट जिसका यूज करेंगे वो है बॉक्स बिकॉज हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा बॉक्स टाइप ही है तो इट विल बी इजियर। नाउ यू विल सी कि एक वियर्ड सा शेप क्रिएट हो गया एंड देयर आर पार्टिकल्स हियर also। और अगर मैं पार्टिकल्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, यू विल सी कि एक बॉक्स है एक्चुअली में, एक बॉक्स प्रेजेंट है एंड दिस थिंग इज 3D, लाइक ये एक्स वाई और जी स्पेस में भी है। इसको मैं अभी 100 ही कर लेता हूँ सो दैट इज नॉट दैट मच हैवी ऑन माय कंप्यूटर। नाउ बॉक्स हमने सेट कर दिया है बट स्टिल ऐसा पार्टिकल थोड़ी ना ऐड करना है, वी वॉन्ट इट इन अ वाइडर एरिया, राइट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मेक द एमिटर साइज, यहाँ पर जो एमिटर साइज है इसको मैं चेंज करूंगा। नाउ ये लिंक है एक्स वाई जी लिंक, यानी कि एक्स वाई जी तीनों एक साथ चेंज हो रहे बट आई डू नॉट वॉन्ट इट, तो मैं इसको इंडिविजुअल कर दूंगा। ये डिपेंड करता है वैसे तुम्हें कितना रखना है तुम्हारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अभी विंड भी यूज करने वाला हूँ तो मैं उसको उतना ज्यादा नहीं रखूंगा। जो वाई है उसको मैं अपने कॉम्पोजिशन के लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा रख दूंगा एंड जो एक्स साइज है उसको तुम बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो बट वी आर गोइंग टू वी यूज विंड तो मैं उसको उतना नहीं बढ़ाऊंगा। आई एम जस्ट गोना मेक इट लाइक दिस मच इज इनफ फॉर मी। और जी में तुम उसको, ये डिपेंड करता है तुम्हें कितना रखना है। अगर तुम टाइपोग्राफी वगैरह कर रहे हो जो हम फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे उसकी, तो आई एम नॉट गोना चेंज इट दैट मच। बस मैं इसको 500 कर लेता हूँ सो दैट आई कैन गेट सम सेंस ऑफ डेप्थ हियर। मैंने मीटर का साइज इतना कर दिया है। अब इसकी जो पोजीशन है से मैं पोजीशन इसकी चेंज कर सकता हूँ। आई विल मेक इट लाइक दिस ताकि वो लेफ्ट में चले जाए और लेफ्ट से ही पार्टिकल्स ऐसे फ्लो होते हुए राइट की साइड आएंगे। दैट्स व्हाट आई वांट। नाइस। अभी अगर इसका मैं प्रीव्यू लूँ, आई विल मेक इट थर्ड एक्चुअली बिकॉज मेरा पीसी का फैन अभी से ही चालू हो गया है एंड यू विल सी दे आर वो बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहे, उतने अच्छे नहीं लग रहे अभी। लेट्स वर्क। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि तुम चेंज कर सकते हो। बाय द वे यू हैव रोटेशन, दैट इज इस पूरे पार्टिकल का रोटेशन। यू विल सी वो एक्स एक्सेस पे रोटेट हो रहा है,
we can make them rotate on y axis. You can see वो rotate हो रहे हैं. Okay, तो in case you want a certain scene जो तुम्हें you know particle वगैरह का rotate करवाना है तो you can do it. Here is an example जहाँ पे मैंने इस property का use किया था. Then we have the velocity. Velocity is basically particle को कितना velocity है. तो जितना velocity होगी वो उतना fastly move होंगे. You can see they are moving very fastly now. और मैं इसको zero कर दूँगा तो वो बिल्कुल move होंगे ही नहीं. They are going to stay on their place. So let's keep it to 20 only. अभी इसको हम change नहीं कर रहे. And there are other properties as well जो हम बाद में बात करेंगे. For now this is enough. और मैं इसको वापस से वहीं ले जाता हूँ. Okay, this much I guess this much is good. Now the next thing that we are going to change is हम जाएंगे physics. Physics is basically physics. तो physics model set है air पर और हम air पे ही work करने वाले हैं. Now gravity जो है वो zero दी हुई है. अगर मैं gravity को बढ़ा दूंगा तो particles सारे नीचे गिरेंगे. Like this, you can see. और ग्रेविटी को मैं माइनस में ले जाऊंगा, पार्टिकल ऊपर जाएंगे. ओके, तो आई डू वॉन्ट कि वो पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखे. ओके, तो या तो मैं ग्रेविटी बढ़ा लूँ या फिर मैं एयर में भी चेंजेस कर सकता हूँ. बट फॉर नाउ मैं ग्रेविटी कर लेता हूँ. तो मैं इसको माइनस 20 कर लेता हूँ. सो दैट देयर इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ दैट इट्स एक्चुअली वेरी लेस. थोड़ा ज्यादा रखते हैं इसको एक्चुअली. या दिस मच इज इनफ. ओके, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें रखना है तुम रखो नहीं रखना है रखो. क्योंकि मेन चीज जो हम चेंज करने वाले वो एयर. तो बेसिकली एयर इज लाइक एयर ओनली. व्हाट एल्स? एयर का मतलब क्या होता है? ओके, नाउ विंड एक्स. तो ये बता रहा है एक्स एक्सिस में हवा किधर चलानी है. तो हम पवन चलाते हैं, इधर की साइड चलाते हैं. और मैं इसको जितना बढ़ाऊंगा विंड की यू नो इंटेंसिटी उतनी इंक्रीज होगी. लेट्स ट्राई दिस एंड यू कैन सी अभी पार्टिकल्स हमारे लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं. बट इट इज एक्चुअली टू फास्ट. सो आई विल मेक इट अराउंड 1200. लेट्स ट्राई दैट. अभी भी बहुत ज्यादा है. लेट्स मेक इट 1000. ओके, दिस मच इज इनफ. देन वाई को तुम चेंज कर सकते हो. वाई इज लाइक बेसिकली यू नो वर्टिकली तुम्हें कितना रखना. तो मैं चाहता हूँ कि वो नीचे से ऊपर आते हुए दिखे. तो मैं इसको माइनस में थोड़ा बढ़ा दूंगा. सो दैट दे आर गोइंग लाइक दैट. ओके, दिस इज व्हाट आई वांट. या दिस इज व्हाट आई वांट. एंड देन जी में अगर तुम्हें बढ़ाना है कम करना है जी एक्सेस पे तो इट डिपेंड्स ऑन यू तुम्हें कितना रखना है. ओके, व्हाट यू कैन एक्चुअली चेंज इज एयर रेजिस्टेंस. जैसे बेटर डिफरेंस दिख रहा है तो तुम चेंज कर सकते हो. ओके, नाउ वी हैव द फिजिक्स टाइम फैक्टर. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं ना, इस पूरे पार्टिकल सिस्टम का टाइम. अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो सारी वैल्यूज का अमाउंट बढ़ जाएगा. लेट्स मेक इट 10. ओके, एंड यू विल सी देयर आर अ होल लोड पार्टिकल्स एंड इट इज जस्ट गोइंग वेरी रैंडम. वी डू नॉट वांट दिस. अगर मैं इसको 0.2 कर लूंगा तो सारी चीजें स्लो हो जाएगी. यू नो पार्टिकल मूव भी स्लो कर रहे हैं, उनका अमाउंट भी कम है. बट वी विल जस्ट नॉट चेंज इट क्योंकि हमें उसको चेंज करना ही नहीं है ना. नाउ ये पार्टिकल जो है ये लीनियरली ऐसे मूव कर रहे हैं. बट ऐसा हवा कोई ऐसा प्लेन थोड़ी ना चलती कि सारे पार्टिकल को एकदम सीधा सीधा लेके जा रही है. तो यू कैन ऐड सम टर्बुलेंस फील्ड. या जैसा टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट रहता है ना वैसे ही टर्बुलेंट फील्ड है. तो इट्स जस्ट गोइंग टू रैंडमाइज एवरीथिंग. तो ये किस चीज को अफेक्ट करेगा तुम्हें? साइज को तो हमको अफेक्ट नहीं करवाना, हमको पोजीशन को अफेक्ट करवाना. तो वी कैन इंक्रीज इट अराउंड लेट्स से 100. तो जो पार्टिकल्स है वो अब था थोड़ा रैंडम मूव करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट मूविंग लीनियरली. तुम्हें अगर स्केल वगैरह को करवाना है तुम करवा सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. और तुम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी स्केल ये सारी चीजें तुम यू नो इट डिपेंड्स ऑन तुम्हें कैसा रखना है. आई एम नॉट गोना give you any specific values here. तो बेसिक जो हमारा पार्टिकल का सिस्टम है वो हमने क्रिएट कर लेना. इसको सुंदर बनाने का काम करना है. तो सुंदर बनाने का काम हम करेंगे पार्टिकल के अंदर. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक दीज पार्टिकल्स लुक बेटर. और उसके लिए हम यूज करेंगे पार्टिकल वाला जो ड्रॉप डाउन है. ये सबसे पहली चीज जो तुम देखोगे, ये पार्टिकल रेंडमली कहीं पे भी अपीयर हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्टिकल, इस पार्टिकल पे फोकस करना हो कि दिस वन दिस गाय हियर. एंड ये ऐसा रैंडमली एक फ्रेम पे नहीं था, अगली फ्रेम पे आ गया है. और फिर वो वापस जब उसकी मर्जी होगी तब वो गायब हो जाएगा रैंडमली. ये पार्टिकल कहीं पे भी पॉप इन कर रहे हैं और कहीं पे भी पॉप आउट हो जा रहे हैं. ओके, वी डू नॉट वॉन्ट इट. हमको थोड़ा तो स्मूथनेस चाहिए ना. ऐसा था ना पार्टिकल रैंडमली गायब हो जाएगा. तो वो चीज तुम चेंज कर सकते हो ये लाइफ वाला सिस्टम पे पूरा. तो उसकी लाइफ तुम बढ़ा सकते हो. अभी ये 3 सेकंड है, मैं इसको बढ़ा दूंगा. पार्टिकल थोड़ा ज्यादा टाइम तक यहाँ रहेंगे तो वो रैंडमली पॉप इन या पॉप आउट नहीं होंगे. ओके, और उसके बाद में तुम इसकी जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. वी हैव दिस स्फीयर फेदर. तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स का अगर मैं यहाँ पे जो साइज है इसको बढ़ाऊं, यू विल सी कि ये इनके एजेस जो है वो फेदर है. तो हमको ये तो नहीं चाहिए. तो मैं इसको रिमूव कर देते या देन मैं पार्टिकल के साइज को कम कर दूंगा यहाँ पे. एंड यू विल सी पार्टिकल का
सारे का साइज इक्वल है, अगर तुमको उसको रेंडमाइज करना तुम यहाँ से उसको रेंडमाइज कर सकते हो, तो लेट्स मेक इट 50%। और पार्टिकल की जो ओपेसिटी है वो 0 से 100 तुम यहाँ कंट्रोल कर सकते हो, मैं इसको 75 कर लेता हूँ और इसको भी मैं रेंडमाइज कर लूंगा, सारे पार्टिकल की जो ओपेसिटी वो भी कम हो जाएगी। और लेट्स नॉट मेक इट दैट रैंडम, एक्चुअली को 10% रैंडम कर लेते, 85% ओपेसिटी दे देते, दैट लुक्स गुड। के बाद में देयर आर टू मोर थिंग्स, फर्स्ट इज साइज ओवर लाइफ एंड ओपेसिटी ओवर लाइफ। तो तुम क्या कर सकते हो, पूरे लाइफ साइकिल में एक पार्टिकल को हमने 5 सेकंड दिया है ना, उस 5 सेकंड के अंतराल में तुम डिसाइड कर सकते हो कि वो पार्टिकल कैसे, उसका साइज क्या क्या रहेगा। तो तुम इसको ओपन करोगे तो यू हैव दिस ग्राफ थिंग, तुम बता सकते हो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में उसकी साइज कितनी रहेगी। तुम यहाँ पे ये पेंसिल टूल का यूज करके या तो ऐसा ड्रॉ कर लो, एंड यू कैन सी इट इज अफेक्टिंग माई पार्टिकल साइज, की स्टार्ट में 0 रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर वापिस 0 हो जाएगी, बट दिस इज नॉट वेरी स्मूथ। तो उसके लिए तुम ये पेन टूल यूज कर सकते हो और यहाँ पे ये ग्राफ ओपन हो जाएगा, एंड इन पॉइंट्स को तुम ऐसा मूव कर सकते हो लाइक सो। तो मैं ऐसे इनको मूव कर लेता हूँ, एंड आई विल गो एंड मेक देम लाइक सो, ताकि पार्टिकल बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो। यू कैन सी पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, अपना लेफ्ट साइड के बॉटम से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा ना, तो यू विल सी कि स्टार्ट में सारे पार्टिकल का साइज कम हो रहा है, और मैं इसको ऐसे मूव करूंगा तो स्टार्ट में पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इसको अराउंड यहाँ रख लूंगा ताकि पार्टिकल ऑलमोस्ट 0 से स्टार्ट हो एंड एंड होते होते वो फिर से 0 हो जाए। तो आई विल मेक इट लाइक सो। और यहाँ पे प्रीसेट भी, अगर तुमको यूज करना है तो यू कैन यूज इट, बट आई एम नॉट गोना डू दैट। और ओपेसिटी भी तुम चेंज कर सकते हो, तो आई विल मेक द ओपेसिटी ऑल्सो समथिंग लाइक दैट ओनली। And similarly, इसमें भी प्रीसेट्स है, इफ यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज। एंड लेट्स हैव अ प्रीव्यू ऑफ हाउ आर पार्टिकल्स आर लुकिंग नाउ। तो वी हैव आर पार्टिकल्स, और इनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा है, तो अभी के लिए मैं इनको कम कर लेता हूँ, लाइक 10 इज ओके। नाउ इन पार्टिकल को हम चेंज करेंगे, हम नहीं चाहते कि ये पार्टिकल ऐसे ही दिखे, ओके, सर्कल नहीं चाहिए ना हमको। तो वहां तुम चेंज कर सकती है पार्टिकल टाइप के अंदर। तो पार्टिकल टाइप पे अभी सेट है स्फीयर, यानी कि स्फीयर, तुम ग्लो स्फीयर करोगे तो वो ग्लो हो जाएगा। यू कैन सेट स्टार, क्लाउडलेट में वो थोड़ा स्मोकी क्लाउड बन जाएगा। देर आर अ लॉट ऑफ देम, बट जो हम यूज करने वाले हैं वो स्प्राइट। मैं स्प्राइट को सिलेक्ट करूंगा एंड पार्टिकल्स हमारे गायब हो जाएंगे। उसके लिए हमें स्प्राइट चूज करनी पड़ेगी। स्प्राइट इज बेसिकली अ सोर्स कि तुम्हें किस चीज को पार्टिकल में कन्वर्ट कर। अगर मैं इस पे चूज स्प्राइट पे क्लिक करूंगा, यू विल हैव मेनी ऑप्शन, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हें क्या चूज करना है। और द वन वी आर गोइंग टू यूज इज दिस हार्ट वन, यू नो, जस्ट लुक एट ऑल ऑफ देम, यू नो, बहुत सारे। इफ यू वॉन्ट दीज 3D शेप्स, यू कैन हैव देम एज वेल। यू कैन हैव सम, यू नो, दीज एलिमेंट्स, फ्लेयर, स्मोक, फायर, एंड यू हैव लीव्स एंड ऑल, बबल्स, रेन ड्रॉप्स, तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और अगर तुम्हें खुद का कुछ कस्टम ऐड करना है, यहाँ पे ऐड न्यू स्प्राइट पे क्लिक करो, एंड यू कैन, लेट्स से ये म्यूजिक वाला मेरे को ऐड करना है, तो मैं इस म्यूजिक वाले को सिलेक्ट करूंगा। आई विल ओपन एंड यू कैन सी, वेट अ मिनट, इट विल टेक सम टाइम टू लोड इट एक्चुअली। तो इसने ये म्यूजिक वाला यहाँ पे कस्टम ऐड कर लिया है, एंड इसको मैं ओके करूंगा, तो यू विल सी नथिंग इज हैपेंड। उसका रीजन ये कि मेरी स्प्राइट का जो कलर था वो ब्लैक था। एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर टिंट ऐड करता हूँ, तब तुम्हें वो विजिबल हो जाएगा। आई थिंक आई विल मेक दिस वाइट, एंड यू कैन सी हमारा जो पार्टिकल्स है वो सारे ये म्यूजिक के आइकन में कन्वर्ट हो गए। बट हमको ऑब्वियसली ये तो नहीं रखना है ना, तो मैं जाऊंगा एंड आई विल चूज स्प्राइट, एंड इसको मैं ये हार्ट वाला जो है ये सिलेक्ट कर लूंगा, एंड आई विल हिट ओके एंड। बट ये तो एकदम ऐसा लीनियरली मूव कर रहे हैं भाई, इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ये कुछ भी, यू नो, बहुत ज्यादा लीनियर लग रहा है। तो वी हैव टू चेंज फ्यू ऑफ इट प्रॉपर्टीज, दे आर इनसाइड दिस रोटेशन ऑफ। तो रोटेशन यानी कि पार्टिकल्स को रोटेट करना है, तो सबसे पहले रैंडम रोटेशन जी पे जो है उसको बढ़ा दो, तो पार्टिकल्स, यू नो, ऐसा सीधे सीधे ना होने की जगह रैंडमली रोटेटेड है। आई विल, लेट्स मेक इट 50 क्योंकि दैट लुक्स गुड। उसके साथ में यू विल सी कि अभी ये पार्टिकल जैसे वैसे के वैसे ही मूव हो रहे हैं, इवन दो इन पे रैंडम रोटेशन है, वो है तो उसी रोटेशन में पूरे टाइम रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो, इफ दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ विंड, थोड़ा सा उसमें, यू नो, चेंज होना चाहिए ओवर टाइम। तो तुम यहाँ पे स्पीड जो है उसको चेंज कर सकते हो, रैंडम स्पीड रोटेट, रैंडम स्पीड जी, रैंडम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। सो लेट्स मेक इट 1, किसी भी एक हार्ट पे फोकस कर लो, लेट्स मेक द साइज बिगर एक्चुअली। अगर अब तुम, ओके, दिस लुक्स वियर्ड, ओके, बट स्टिल, अगर किसी भी हार्ट पे, लेट्स से इस वाले हार्ट पे फोकस करो, ये कैसा रोटेट हो रहा है ओवर टाइम, ओके, यू कैन सी दिस वन, दिस इज द गाय एंड इट इज रोटेटिंग ओवर टाइम। तो ये तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेट्स मेक इट 0.7 एक्चुअली, और रैंडम को मैं बढ़ा दूंगा काफी ज्यादा, लाइक 10, ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तुम, यू कैन प्ले विद दीज थिंग्स, एंड आई विल क्लोज इट एंड ओके। पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, तो लेट्स मेक इट अराउंड 20 एंड रैंडमनेस 50 रखते हैं, और मे बी, या दैट लुक्स गुड। एंड इफ आई विल प्ले इट, यू कैन सी वी हैव सम कूल लुकिंग पार्टिकल्स इन आवर सीन।
जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से मूव हो रहा है. एक्चुअली तो लेट रिड्यूस देयर स्पीड अ लिटिल. लेट आई एम जस्ट गोना गो एंड इनका जो अमाउंट है उसको मैं 50 कर दूंगा, सो दैट देयर आर वेरी लेस पार्टिकल्स हियर. उसके साथ में जो फिजिक्स में जाकर मैं इनकी जो स्पीड एयर वगैरह की स्पीड वगैरह है वो मैं थोड़ा कम कर दूंगा, सो दैट आई कैन सी देम क्लियरली एटलीस्ट. अभी आई विल प्ले इट एंड यू कैन सी वी हैव सम हार्ट इन आवर सीन. नाउ इनका कलर वगैरह अपने को चेंज करना है. ओके, तो व्हाट आई एक्चुअली सिलेक्टेड वाज दिस स्प्राइट. और जैसे मैंने स्प्राइट ये हार्ट वाली ऐड की है, हमारी लेयर पैनल पे हमको एक हार्ट ये जो पीएनजी है ये भी ऐड हो गई. तो बेसिकली इस पीएनजी को पार्टिकुलर इफेक्ट सोर्स के तौर पे एंड इसका कलर जो है वो रेड है. उसी के कारण हमारे जो ये पार्टिकल है उनका कलर भी रेड आ रहा है, बट हमको इसको चेंज करना है राइट. तो मैं इसमें जाऊंगा स्प्राइट कलराइज अगर हम सेलेक्ट करें तो सी उसमें थोड़ा कलर ऐड हो गया है बट इट इज लुकिंग वेरी फेडेड. तो उसके लिए हम ऐड करेंगे स्प्राइट फिल. और उसके बाद में आई हैव एक्चुअली चेंज सम सेटिंग्स हियर, बट मैं तुम्हें बता देता What actually is going on. जो कलर रहता है वो एट स्टार्ट पे सेट रहता है, यानी कि स्टार्ट में हम सेट कर रहे हैं कि इस चीज का कलर क्या रखना है. हम इसको रेड कर देंगे तो वो रेड हो जाएंगे फिर से. And I can actually change इसका randomization में कर सकता हूं ताकि कलर रैंडम हो जाए, बट हम चाहते हैं कि कोई दो कलर में से वो सिलेक्ट करे. तो what I'm going to do is select random from gradient, यानी gradient में से कोई भी रैंडम कलर पिक कर लेगा. वो ग्रेडियंट हमें विजिबल होगा कलर ओवर लाइफ के अंदर. एंड यहाँ पर एक डिफॉल्ट सा ग्रेडियंट हमको विजिबल है, ग्रेडियंट में से कोई भी कलर पिक कर रहा है, बट हम ये नहीं चाहते. तो अगर तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो या फिर तुम जाओ प्रीसेट में. और इफ यू लाइक समथिंग यू कैन सिलेक्ट. मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिलेक्ट करूंगा, इसमें ब्लैक को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल डबल क्लिक हियर. और इसको मैं थोड़ा रेड एंड पिंक के टोन में लेके आ जाऊंगा अराउंड समवेयर हियर. देन आई विल सिलेक्ट द अदर एंड और इसको मैं ब्लू के समथिंग लेके आ जाऊंगा लाइक दिस एंड आई विल सिलेक्ट दिस. और हमारे जो पार्टिकल है उनको हमने दो कलर में कर दिया है, बट यू कैन सी देयर इज सम बिट ऑफ पर्पल ऑल्सो. तो मैं इन दोनों कॉर्नर्स को ऐसा एज की तरफ, एज से सेंटर की तरफ एक्चुअली मूव कर दूंगा ताकि वो इन दोनों कलर में से कोई एक कलर ही सिलेक्ट करे. देयर इज नो अदर कलर यू नो. तो वी ओनली हैव टू कलर ऑफ हार्ट्स हियर नाउ. ओके, तो बेसिकली हमने हमारा जो पार्टिकल सिस्टम है पूरी तरह से क्रिएट कर लिया है. नाउ हमारे पास पार्टिकल विजिबल है लेयर के ऊपर, बट आई विल रिमूव दिस पीएनजी एज वेल. और वो कैरेक्टर के ऊपर आ रहे तो आई विल मूव देम बिहाइंड आवर कैरेक्टर और कैरेक्टर में यहां पर विजिबल कर लूंगा. नाउ आई एम जस्ट गोना गिव देम डीप ग्लो. So we have some particles in our scene now. Now let us look कि ये हमको transition के साथ में कैसा लग रहा है बाहर की side. Before moving ahead, subscribe to the channel. You are getting useful content here and you can support me by hitting that like button and that subscribe button. So make sure that you subscribe to the channel and let us continue. And अगर तुम्हें इस particle system का तुमको preset save करना है तो you just go to designer और यहाँ पर जाके जो भी तुम्हारा master system है you just select it and then save system preset. और इसको हम set कर लेते हैं ट्यूटोरियल वन. आई हैव सेव्ड इट. अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा हर एक कॉम्पोजिशन के अंदर जाके. तो मैंने सारी चीजें इनेबल कर दी थी एंड आई एम जस्ट टेकिंग द प्रीव्यू नाउ एंड दिस इज हाउ द पार्टिकल सिस्टम इज लुकिंग अलॉन्ग विद द ट्रांजिशंस. सो जो नेक्स्ट चीज है वो है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म. तो मैं यहाँ पर कैमरा लगा के पार्टिकल्स को यू नो मूव कर सकता था, बट मैंने ट्रांजिशंस पहले किए हुए हैं. और जो पार्टिकल है वो मुझे कैरेक्टर के पीछे नहीं लगाना है, एक्चुअली फ्रंट में ही लगाना है क्योंकि मैंने कैरेक्टर्स को मास्क नहीं किया हुआ है. मैं क्या करूंगा, पार्टिकुलर पे जाऊंगा एंड यू विल सी कि ये सीन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. देन इट इज जूमिंग इन. मैं जाऊंगा पार्टिकल में, देयर वी हैव दिस वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन. तो मैं वाई और जी को एनिमेट कर लूंगा अराउंड हियर सेंटर में. तो बेसिकली स्टार्ट में अगर ये ऊपर है तो पार्टिकल भी थोड़े ऊपर होंगे राइट. तो मैं पार्टिकल्स को ऊपर मूव कर लेता हूँ अराउंड लाइक दैट एंड देन बोथ ऑफ देम ड्रॉप्स डाउन टुगेदर. देयर इज दिस सटल मूवमेंट. देन अगर हम जूम कर रहे हैं कैरेक्टर के ऊपर तो पार्टिकल्स भी जूम होंगे राइट. तो मैं पार्टिकल्स के अंदर जूम कर लेता हूँ और मैं जो की फ्रेम्स है उनको इजी यूज कर दूंगा नाउ. तो यू नो विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म यू कैन एक्चुअली क्रिएट सम फेक कैमरा मूवमेंट. अगर तुम्हारे पास सीन वगैरह में है तो तुम इजीली क्रिएट कर सकते हो. इफ यू डू नॉट वांट टू यूज अलग से कैमरा अगर तुम्हें यूज नहीं करना है तो यू कैन इजीली डू दिस थिंग्स विद वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म. ओके, सो मैंने क्या किया, जो पार्टिकल्स है अगले सीन वाले उनको थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है ताकि वो इस लेयर के ट्रांजिशन के साथ में ही हो. देन वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में जो सेटिंग्स थी जो मैंने एनिमेट की थी वो ऐसी है कि दे गो डाउन और फिर वो थोड़ा सा ऊपर होंगे और जूम होंगे लाइक अलॉन्ग विद द क्लिप्स. और उसी के साथ में जो मैंने वेलोसिटी है ऊपर उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, 20 से 500 कर लिया है और एयर रेजिस्टेंस को मैंने कम कर दिया है. तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो. अगले ट्यूटोरियल में हम करेंगे कलर करेक्शन अपने एडिट के ऊपर. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन अगर तुम्हें कोई डाउट या सजेशन देना है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.